छत्तीसगढ़ में भी सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में राज्य की सभी 90 विधायकों ने मतदान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 71 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के विधायकों की संख्या 19 है। मतदान के बाद राज्य के बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीद से ज़्यादा मत मिलेंगे, क्योंकि कई कांग्रेसी विधायकों ने आदिवासी अस्मिता के सवाल पर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। हम सब लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में जो NDA के सहयोगी दल हैं वो तो समर्थन किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल जो NDA के साथ में नहीं हैं वो भी समर्थन किए हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मतदान हम सब ने किया है और पूरे देश में जिस प्रकार द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में न केवल भारतीय जनता पार्टी NDA बल्कि उसके अतिरिक्त भी ऐसे राजनीतिक दल जो हमारे साथ नहीं जुड़े थे सब ने समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी।